और अगर आप करेला भवानी माता मंदिर आते हैं तो जस्ट नीचे में यहाँ से एक रास्ता है जो आपको लेकर जाता है करेला भवानी माता मंदिर की गुफा में। यहाँ पर है व्यू पॉइंट जहाँ से आप चढ़कर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भाई मिले हैं और भवानी माता का आप घर बैठे दर्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ करेला भवानी माता का मंदिर घुमाने के लिए। यहाँ पर नवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है, ये भी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज आप लोगों को घुमाते हैं करेला भवानी माता का मंदिर। तो ये देख सकते हैं मंदिर के पास जस्ट पहुँच चुका हूँ। इधर करेला गाँव है और करेला गाँव से आप सीधा आएँगे तो मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक दुकान है जहाँ से आप नारियल फूल वगैरह खरीद सकते हैं। और देखिए इस तरह से मेला की तैयारियाँ चल रही है, पूरा रास्ते में दुकान वगैरह लगा हुआ है जहाँ से आप नारियल फूल माला खरीद सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर आते हैं तो इधर पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से सजाया जा रहा है, रात के समय यहाँ पर लाइटिंग का माहौल देखने लायक रहेगा। और जितने भी सारे स्टॉल आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर स्टॉल में नारियल फूल माला अगर आप जहाँ से भी खरीदते हैं वहाँ पार्किंग कर सकते हैं फ्री में। मंदिर के पास आते हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सब लग चुका है जिसमें 120 रुपये में फुल भरपेट थाली मिल जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है, इधर गॉगल्स वगैरह की दुकान लगी हुई है, इधर नारियल वगैरह की दुकान लगी हुई है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको छोटा मंदिर दिखाई देगा जहाँ पर करेला भवानी माता का एक और मूर्ति है। तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको ऊपर वाले मंदिर में लेकर चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मेला की तैयारियाँ चल रही है, चारों तरफ दुकानें लग चुकी है। इधर होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी और भी दुकानें लग चुकी है और इधर पूरा मेला का तैयारी चल रहा है अभी। तो चलिए अभी आपको नीचे वाला मंदिर दर्शन कराते हैं, उसके बाद ऊपर पहाड़ी वाला मंदिर में लेकर चलेंगे। नीचे वाले भवानी माता का मंदिर दर्शन करने वाले हैं। देखिए नीचे वाला मंदिर है, घर बैठे आप दर्शन कीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, ज्योत वगैरह सब जल चुका होगा, देखते हैं अभी ज्योत जलने वाला है कुछ ही देर में। यहाँ पर यहाँ पर माता रानी का झूला भी लगाया गया है, देख सकते हैं ऊपर में माता रानी का पूजा भी किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है झूला। और इधर है मुख्य वाला मंदिर जो कि ऊपर में पहाड़ी पर माता रानी विराजित है। और यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है क्योंकि मेले में इस तरह से माहौल होगा तो फिर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही, पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी ही, उसके लिए ऐसा लगाया गया है। तो अब चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। यह है करेला भवानी माता मंदिर का एंट्री गेट और देख सकते हैं इस तरह से स्टॉल लगा हुआ है मंदिर में नारियल फूल माला का। और ये काफ़ी खूबसूरत एंट्री गेट बनाया गया है और पूरा एक प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है माता का मंदिर। और इधर देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ के बीच में पूरा ये रास्ता बना हुआ है। तो गर्मी के दिनों में अभी आप यहाँ आते हैं करेला भवानी मंदिर तो इधर पानी वगैरह की व्यवस्था है, पानी वगैरह की मटका वगैरह भरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मंदिर है एक नाग देवता का। और इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो इधर भी पूरा स्टॉल लगा हुआ है, आज शाम से मेला चालू होने वाला है यहाँ पर। तो बने रहिए वीडियो पे, देखिए बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं पूरा नारियल वगैरह का। आप नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ आप देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ हैं और ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आप माता के मंदिर तक जा सकते हैं। बस कुछ ही मीटर की दूरी पर बचा हुआ है करेला भवानी माता का मंदिर, फिर उसके बाद सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ के माता के मंदिर तक जाना होता है। और जब भी आप करेला भवानी माता मंदिर आते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा नहीं है, आपको सीढ़ी चक्कर ही ऊपर जाना पड़ेगा। पूरा स्टॉल वगैरह लगना चालू हो गया है, अभी यहाँ पर 9 दिनों तक मेला लगने वाला है, उसकी तैयारियाँ चल रही है आज ही से ही, पहले दिन से ही। बाकी इधर आप देखेंगे तो गन्ना रस की दुकानें लगी हुई है क्योंकि गर्मी का दिन आ चुका है, इसलिए गन्ना रस का दुकान लग गया है। और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का, फिर ये सब फैंसी दुकान लगा हुआ है। माता का मंदिर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई है, फैंसी सामान वगैरह की दुकानें भी। देखिए दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है, ये सब अंगूठी वगैरह मिल रहा है और भी बहुत सारे फैंसी आइटम हैं यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर की सीढ़ी के पास, यहाँ पर से मंदिर का पहला सीढ़ी स्टार्ट होने वाला है। और देख सकते हैं इस तरह से तैयारियाँ की गई है, मेला अभी 9 दिनों तक यहाँ पर मेला चलने वाला है, इसकी तैयारियाँ चल रही है। ये देखिए इस तरह से लगाया गया है, अभी सीढ़ी चक्कर ऊपर जाना है माता के मंदिर तक। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहला सीढ़ी, पूरा सीढ़ी चढ़कर जाना है ऊपर तक।
अब देखते हैं कि कितना देर में पहुंचते हैं। अभी फ़िलहाल 2:20 हो रहे हैं और देखते हैं कि कितना देर में मैं चढ़ पाता हूं ऊपर। और बहुत खड़ा चढ़ाई है यहाँ, बाकी आप नज़ारा देखिए। सीढ़ी से जाएंगे तो बहुत सारा नज़ारा आपको दिखाई देगा। देखिए काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है माता का मंदिर, और इस तरह से ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। आगे आपको और भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने वाला है। अभी से ही सांस फूलने लग गया है, पता नहीं आगे चल के कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, आप लोगों को दर्शन कराना है आज, इसलिए चलना ही पड़ेगा। और नज़ारा जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होते जा रहा है। बाकी आप चारों तरफ देखेंगे तो पूरा एक खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है माता का मंदिर। जैसे जैसे मंदिर के ऊपर आते जा रहे हैं नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा है। और ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, चारों तरफ सिर्फ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देगा और पूरा बड़ा बड़ा पेड़ है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। नज़ारे की बात करूं, जितना बोलूं उतना कम है नज़ारा यहाँ। और अभी ऊपर जाएंगे तो ऊपर में दर्शन करने के बाद आपको व्यू पॉइंट से नज़ारा भी दिखाऊंगा, जो कि देखने लायक रहता है। बाकी आप जब भी करेला भवानी माता के मंदिर आते हैं तो अपने साथ पानी बॉटल ज़रूर रखिए, इससे क्या है आपको रास्ते भर एनर्जी मिलती रहेगा और चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बहुत सारा सीढ़ी बचा हुआ है और लगभग आधा सीढ़ी मेरा कवर हो चुका है। लगभग आपको मैं अब लेकर आ गया हूँ करेला भवानी माता मंदिर के व्यू पॉइंट के पास। और ये सामने यहाँ पर है व्यू पॉइंट, जहाँ से आप चढ़कर खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और खाई नज़र आएगा और एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। तो चलिए आपको व्यू पॉइंट से नज़ारा दिखाता हूँ। ये है करेला भवानी माता मंदिर का व्यू पॉइंट, चलते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और अभी आप चारों तरफ देखेंगे तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब सूख चुके हैं और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये है व्यू पॉइंट, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है मंदिर। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। अगर यहाँ करेला भवानी माता मंदिर आते हैं तो व्यू पॉइंट से आप नज़ारा देख सकते हैं और साथ ही साथ फ़ोटो शूट वगैरह भी करवा सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर की तरफ, वहाँ पर ऊँचे पहाड़ पर मंदिर है। तो लगभग अभी 200 से 300 सीढ़ी और बचा हुआ है, और मात्र कुछ ही सीढ़ी बचा हुआ है, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। और अगर आप करेला भवानी माता मंदिर आते हैं तो जस्ट नीचे में यहाँ से एक रास्ता है जो आपको लेकर जाता है करेला भवानी माता मंदिर की गुफा में, और उसका ब्लॉग मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आई बटन में लिंक आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर पहुँच ही चुके हैं लगभग, और जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारा जो है वो और भी बढ़ते जा रहा है, नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा है। देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर तक, और लगभग 1100 सीढ़ी चढ़कर आपको यहां तक आना है। और ये रहा माता का मंदिर। बाकी आप इधर से नज़ारा देखिए, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप दर्शन करते हैं माता का। ये देखिए भवानी माता का आप घर बैठे दर्शन कीजिए हमारे ब्लॉग के माध्यम से। कर लिए हैं, अब आप लोगों को उधर घुमाते हैं। उधर ये मंदिर के पुजारी जी है, और यहाँ पर और माता का मूर्ति रखा गया है, फोटो रखा गया है। उधर खप्पर वगैरह है, उधर बैठे हैं, दर्शन कीजिए। बाकी आपको मंदिर के पीछे घुमाते हैं। ये नया बना हुआ है हॉल जैसा, मेरे ख्याल से ज्योति कक्ष है ये, देखेंगे अभी वो भी। और ये देखिए मंदिर के ग्राउंड में ऐसा नज़ारा है, और मंदिर में इस तरह से ये सीट लगाया गया है धूप वगैरह से बचने के लिए, पानी बरसात से बचने के लिए।
बाकी आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन आप देख सकते हैं माहौल को, काफ़ी सारे श्रद्धालु आते जा रहे हैं लगातार माता रानी का दर्शन करने के लिए। तिल्ला भवानी माता मंदिर में यहाँ पर नया अभी बना हुआ है ज्योति कक्ष, आज ज्योत जलने वाला है क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है। और इस तरह से देखिए ज्योति कक्ष बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत सा। अभी आज यहाँ पर ज्योत जलने वाला है नवरात्रि के पहले दिन। बाकी आप इधर मंदिर का माहौल देख सकते हैं, लगातार श्रद्धालु आते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। माता मंदिर में नया ज्योति कक्ष बना हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब आप लोगों को ज्योति कक्ष अंदर दिखाने वाले हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पर ज्योत वगैरह जलने वाला है, तो जिसकी तैयारियाँ चल रही है, चलिए अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बना हुआ है ये ज्योति कक्ष। देखिए पूरा पूजा पाठ चल रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से नया ज्योति कक्ष बना हुआ है भवानी माता के मंदिर में, और कुछ ही देर में अभी ज्योत जलने वाला है। यहाँ पर करेला भवानी माता मंदिर में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भाई मिले हैं, और भाई अचानक से मिले और पहचान लिए, जान के बहुत अच्छा लगा, मिल के बहुत अच्छा लग रहा है भाई से। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार सोनी है, मैं इधर डूंगरगढ़ में रहता हूँ। और गाइस जो है भैया लोग बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, और इनका जो ब्लॉग रहता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है और देखने में बहुत ही मज़ा आता है। आप मेरा कौन सा ब्लॉग देखे? मैंने आपके कई सारे वो जो आप अभी मतलब बेमेतरा में एक वीडियो में आए थे ना, सिद्धि माता मंदिर बेमेतरा, वो वाला आपका ब्लॉग देखा। और खैरागढ़ में एक जो आपने वीडियो बनाया था ना, उसका ब्लॉग देखा। ऐसे मैंने आपके कई सारे वीडियो देखे हैं। भाई से मुझे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, और भाई यहीं के रहने वाले हैं डोंगरगढ़ के। गाइस मतलब भैया के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भैया को आगे से आगे बढ़ाओ। धन्यवाद भाई। इस माता रानी का दर्शन वगैरह कर लिए हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। और मंदिर से मैं दर्शन करके अब नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर ज्योत वगैरह जल चुका है। चलिए अब आपको दर्शन कराता हूँ। आज नवरात्रि के पहले दिन ज्योत वगैरह जल चुका है मंदिर में, और नवरात्रि के पहले दिन आप ज्योति कलश का दर्शन कीजिए। देखिए घर बैठे बहुत खूबसूरत, जय माता दी। देखिए इतने सारे ज्योति कलश जले हुए हैं। तो नवरात्रि में ज्योति कलश के भी दर्शन कर लिए हैं, और नवरात्रि के पहले दिन इस तरह से दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये नीचे मंदिर है, ऊपर मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। सुबह जब आए थे तो ज्योति कलश जला नहीं था और अभी जल गए, बाकी दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा।